दिन प्रतिदिन बढ़ती कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या को रोकने के लिए आंशिक लॉकडाउन को पार कर अब राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पिछले साल 23 मार्च से पूरे भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। राज्य भर में आज से कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही विभिन्न दुकानों एवं बाजारों में भीड़ देखने को मिली। कई जगहों पर दुकानें बंद रखी गई हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर दुकानें खुली रखी गई। सड़कों पर लोगों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लापरवाही के साथ लोग घूमते भी दिखाई दिए। कोचबिहार के भवानीगंज बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रखी जा रही हैं ज़रूरी दुकानें। 10 बजे के बाद सभी बाजार एवं दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल एवं कॉलेज पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। बैंकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का सीमा तय की गई है। इसके साथ ही जरूरी होम डिलीवरी परिसेवा चालू रहेगी एवं सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय पूरे तरीके से बंद रखे गए हैं। इसीलिए सभी बाजारों में सुबह से ही काफ़ी भीड़ बढ़ती दिख रही है। कुछ बिहार के भवानीगंज बाजार में सामाजिक दूरी की अवहेलना करते हुए खरीदी एवं बिक्री जारी है। मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं। वहीं लॉकडाउन के पहले दिन से ही कोचबिहार में पुलिस की सक्रियता देखने को मिली। सुबह पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है एवं 10 बजने के बाद संपूर्ण बाजार एवं दुकानों को बंद कराया जा रहा है। पुलिस व्यावसायिक दुकानदारों को सतर्क कर रही है। हर इलाके में लाठियां लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस द्वारा लॉकडाउन के प्रथम दिन सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन करवाने से आम लोगों ने पुलिस की सराहना की है। आज से राज्य सरकार द्वारा पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं लॉकडाउन के पहले दिन से ही कोचबिहार में पुलिस की सक्रियता देखने को मिली। पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 10 बजने के बाद संपूर्ण बाजार एवं दुकानों को बंद कराया जा रहा है। पुलिस व्यावसायिक दुकानदारों एवं उनको सभी को सतर्क कर रही है। हर इलाके में लाठी लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस द्वारा लॉकडाउन के प्रथम दिन सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन करवाने से आम लोगों ने पुलिस की सराहना की है। স্নান করলে মাস্ক পরতে না আপনার প্রমাণ কি বলুন? শরীর খুব খারাপ খাচ্ছে না বাড়িতে। অবশ্যই অবশ্যই আমরা
वहीं इससे लेकर सदर महकुमा शासक ने क्या कहा सुनिया। যেহেতু গতকালই আমাদের ইনস্ট্রাকশন এসছে, সেই জন্য আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সকাল থেকেই উনি ফিল্ডে ছিলেন এবং পুলিশ বা আমাদের অন্যান্য যে দু একজন এনজিও ওরাও আমাদের ফিল্ডে ছিল এবং আমরা প্রথম দিন আমরা জাস্ট অবজার্ভ করলাম এবং যেখানে যেখানে যারা সেই টাইমিংটা মেনটেন করেনি আমরা সেই দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। রাস্তায় আরটিও সাহেবের টিমও আছে, তারা গাড়ি যেগুলো অকারণে যারা বাইরে প্লাই করছে সেগুলোকে ধরছে এবং প্রথম দিনের আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমরা পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, কারণ অর্ডারটা কালকেই এসছে, হয়তো সবাই এখনও জেনে উঠতে পারেননি, তার জন্য আমরা গতকাল থেকে অ্যানাউন্সমেন্টও করছি। দেখুন, লাঠির ওষুধ ওইভাবে তো বলা যায় না, ওটা ইল্লিগাল। আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে যেরকম ধরনের তাদের বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট করা বা বেলের যেটুকু মানে যাদের যা যা প্রভিশন সেটাই আমরা ফলো করব। মহামারী আইনে মামলা রুজু হবে, আমরা যতটুকু আইনত সম্ভব সেটাই আমরা করব। নিশ্চয়ই আমরা দেখব যে যতটুকু মানুষকে সেই ভয়াবহতা যে মহামারীর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাদের জন্য আমরা ওয়াকিবল করতে পারি। আজকে কাউকে কি মামলায় কাউকে আটক করা হয়েছে? আজকে আমরা প্রথম দিন আমরা দুম করে অ্যাকশন কিছু করিনি, আমরা জাস্ট আজকে অ্যাওয়ারনেসের জন্যই, কারণ কালকেই দুপুরবেলা ইনস্ট্রাকশন এসছে, অনেক মানুষ তারা হয়তো যদিও আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করিয়েছি কাল থেকে মাইকিং করিয়েছি, তাদের একটু টাইম দিতে হবে, প্রথম দিনে আমরা অ্যারেস্ট করিনি।